हरियाणा के करनाल जिले में रिश्वतखोरी के मामले थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले दो दिन में करनाल विजिलेंस ने 3 आरोपियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। बुधवार शाम को विजिलेंस टीम में हुड्डा विभाग के जेई को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए और निगदुग तहसील के पटवारी को 5,000 रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। हरियाणा स्टेट विजिलेंस करनाल के इंस्पेक्टर सचिन ने जानकारी देते हुए बताया कि सेक्टर 13 निवासी जूनियर इंजीनियर प्रदुमन शर्मा करनाल के हुड्डा विभाग में तैनात है। बुधवार को आरोपी प्रदुमन शर्मा ने विभाग की तरफ से जारी होने वाले कम्प्लीशन सर्टिफिकेट की एवज में एक व्यक्ति से 50,000 रुपए मांगे थे, लेकिन व्यक्ति आरोपी जेई को पैसे नहीं देना चाहता था। शाम को शिकायतकर्ता ने विजिलेंस को शिकायत दी। कार्यवाही करते हुए टीम द्वारा पैसों पर पाउडर लगाकर शिकायतकर्ता को दिए। देर शाम आरोपी जेई ने शिकायतकर्ता को अपने घर पर बुलाया और रिश्वत के पैसे लिए। जैसे ही आरोपी ने शिकायतकर्ता से पैसे लिए तो जेई को टीम ने पैसे लेते रंगे हाथों पकड़ा। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।